दिस इज ब्रांड न्यू बाजाज N150, फुल्ली रेड कलर और ग्राफिक्स भी आपको मेड रेड कलर में देखने को मिल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इस बाइक का ऑन रोड प्राइस के बारे में, इस बाइक का ग्राफिक्स, कलर, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो वीडियो में आप लोग बने रहिए, चैनल में नए आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुल्ली रेड कलर पल्सर N150 जो है, लुक्स देख सकते हो, गजब का एक लुक्स के साथ इसमें बहुत सारा चेंजेस कर दिया गया है। डिफरेंस लुक के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आप देख सकते हो प्रोजेक्टर LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगा। और इसको मैं जला के भी दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो है हेडलाइट कैसे जलता है। फिलहाल हेडलाइट थोड़ा सा जला दीजिए और देखते हैं। वह दारुण गजब। तो ये जो है प्रोजेक्टर LED हेडलाइट और बहुत ही बढ़िया डिफरेंस आपको हेडलाइट देखने को मिलेगा। DRL भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। DRL के साथ साथ इसका हेडलाइट का लुक्स भी बहुत ही अच्छा है। एंड आप देख सकते हो जो है इसका जो है टर्न इंडिकेटर है, ये भी आपको बहुत ही गजब का देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको LED का टर्न इंडिकेटर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिल जाएगा। ये जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड कर रहा है कंपनी, और जो है आपको देखने को मिल जाएगा ABS। तो इस बाइक में आपको ABS देखने को मिल जाएगा। टायर के बारे में बात किया जाए तो टायर भी आपको अच्छा खासा एलो व्हील के साथ देखने को मिल जाएगा। 80/90 का इसमें टायर देखने को मिल जाएगा जो है ट्यूबलेस टायर है। और इसका जो है व्हील में आपको एक स्टिकर देखने को मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और जो है इधर इंजन जो है 150 cc का इसमें इंजन प्रोवाइड कर रहा है बजाज। ये जो है इंजन गार्ड जो है आपको फाइबर के साथ देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इसका जो है ये पोर्शन आप देख सकते हो कार्बन प्लास्टिक का इसमें फिनिशिंग किया हुआ है। और जो है इधर का जो है डिजाइन आप देख सकते हो जो है आपको एक मेटालिक फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। डीप रेड कलर में आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। और जो है पल्सर इधर देखने को मिलेगा, ये पल्सर जो है ये आपको 3D डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। टैंक काउल के साथ आपको एटस देखने को मिलेगा। टैंक काउल जो है बहुत ही अच्छा है, एक सिंगल सीट देखने को मिलेगा। और सीट का जो है कुशनिंग है ये भी आपको अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। चेन भी आपको लूपिंग चेन देखने को मिल जाएगा। बैक साइड के बारे में बात किया जाए तो बैक में आप देख सकते हो जो है आपको LED बैक लाइट देखने को मिलेगा, लेकिन टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिल जाएगा। मार्कर जो है स्प्लिट मार्कर देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। फिलहाल बैक साइड में भी आपको देखने को मिलेगा डिस्क ब्रेक। इसमें ड्रम ब्रेक का ऑप्शन था पहले वाले वर्जन में, लेकिन अभी इस वाले वर्जन में आपको डिस्क वेरिएंट प्रोवाइड कर रहा है कंपनी। साइलेंसर के बारे में बात किया जाए तो साइलेंसर जो है देख सकते हो डाउन साइड में आपको साइलेंसर देखने को मिलेगा। और जो है इस बाइक में आपको जो है डुअल स्टैंड देखने को मिल जाएगा। इस बाइक जो है 150 cc का बाइक है, और इसमें जो है आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाएगा जो है आप देख सकते हो। इसका डिजाइन भी आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया। और इधर इंजन में आपको जो है बजाज का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो बाइक का जो है डिजाइन आप देख सकते हो मस्त डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। और बाद में की बात करते हैं इसका हैंडल पोर्शन के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा करके जाते हैं हैंडल के साथ। तो हैंडल पोर्शन में आप देख सकते हो बहुत सारा स्विच इधर आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट बार में आप देख सकते हो पासिंग का स्विच इधर देखने को मिलेगा। ये जो है स्विच है ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, फ़ोन उठाने के लिए। ये जो है टर्न इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न का स्विच। तो थोड़ा सा हॉर्न बजा के देख लेते हैं कि इसका हॉर्न कैसे बजता है। फिलहाल तो ये था इसका हॉर्न, और ये डुअल हॉर्न शायद है। राइट हैंडल बार के बारे में बात किया जाए तो इस हैंडल बार में आपको सिर्फ आपको इंजन किलिंग का स्विच और जो है सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाएगा। सो इस बाइक का जो है मीटर कंसोल के बारे में बात किया जाए तो मीटर कंसोल भी बहुत सारा चेंजेस के साथ आ गया है। आप देख सकते हो जो है इधर न्यूट्रल का लाइट दिखा रहा है, और जो है टर्न इंडिकेटर का लाइट ये जल रहा है फिलहाल। तो ABS का भी इधर लाइट दिखा रहा है, और जो है इंजन का लाइट दिखा रहा है। जो है इधर गियर दिखा रहा है, कितना गियर पर आपका गाड़ी चल रहा है फिलहाल। टाइम दिखा रहा है, RPM इधर शो करता है। और जो है इधर इंजन अभी ऑफ है, और अभी दिखा रहा था कि रिफ्यूल करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है आपको इसमें फ्यूल नहीं है। फिलहाल देख सकते हो कि रिफ्यूल करने के लिए इधर दिखा रहा है, फ्यूल नहीं है होगा तो आपको दिखाएगा कि रिफिल करने के लिए। कॉल आएगा तो कॉल भी आप इसमें ही उठा सकते हो, और जो है देख सकते हो कि किसका कॉल आया है फिलहाल। तो ये जो है बहुत ही अच्छा वाला बाइक है। और इधर आपको देखने को मिल जाएगा एक USB पोर्ट। USB पोर्ट में आप अच्छा तरीके से फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। इस बाइक का एक्सोरूम प्राइस के बारे में बात किया जाए तो 125,000 रुपीज़ एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाएगा।
और ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया जाए तो 1,45,000 तक देखने को मिल सकता है। शोरूम का जो है डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उधर से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बाइक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चलिए गाइस और एक वीडियो मिलते हैं और एक नया बाइक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।